नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं डेजर्ट टाइम्स डॉट इन आपकी आवाज। मेरे साथ मैं हूं निखिल। एसबीबीजे बैंक की कतार में खड़े अधेड़ की हुई मौत, भूखा भगत सिंह बैंक शाखा की घटना, मेगाराम निवासी घचेड़ा की हुई मौत, सिंहधरी पुलिस पहुंची मौके पर, 1000 रुपए लेने के लिए खड़ा था लाइन में, सुबह 5 बजे से खड़ा था लाइन में, 6 माह से राशन न मिलने से नाराज ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय का घेराव कर किया प्रदर्शन, बस्ती जिले के सदर ब्लॉक के कृष्णा भगवती गांव के सैकड़ों महिलाओं ने अपने गांव के कोटेदार बबलू चौधरी द्वारा पिछले 6 महीने से राशन न बांटने की शिकायत लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंची तो जिला अधिकारी की अनुपस्थिति में प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मामले की जांच कर कार्यवाही का भरोसा देकर लौटा दिया गया। सब बेच झाड़ते हैं, हम लोग खेले बिना परेशान है। अब हम लोग का करी जो हम क्या तो डीएम के पास आकर बढ़िया गिफ्ट बांटी कि हम लोग के राशन पानी दे कहना जन तुहरे कर जौन करे कोई जौन जा कह लियो हमार तुम तो इनके राशन पानी ना दे हम भी ले कह ले हमार पकड़ ऊपर से बा हम कुछ कहना भाई अच्छी डीएम की है सबके की है जा कुछ ना हो कुछ ना हो। बस्ती जिले में मंगलवार को क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अधिकार के लिए जिलाधिकारी कार्यालय के सामने विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सुबह से ही क्षेत्र पंचायत सदस्यों का समूह हर ब्लॉक से अपने अधिकार के लिए जुटने लगा। देखते ही देखते जिलाधिकारी कार्यालय के सामने हजारों पंचायत सदस्यों ने अपने समर्थकों के साथ पूरे कैंपस को घेर लिया। इस दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्य अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश भी जाहिर किया। इस कारण हम सारे लोगों ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को एकत्रित किया है और आने वाले दिनों में विधानसभा के रूप में हम लोग 12 तारीख को एक बात तय हुआ है सबके बीच में कि 12 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन कर विधानसभा का घेराव करेंगे और उस घेराव के अंतर्गत हम उनको 9 सूत्रीय मांगे सौंपेंगे, जिसमें हमारी वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों की मांग भी था। हमारी मांगों को नहीं मानेंगे सारे लोग, हम सारे के सारे लोग गांव से उन गांव से लोग आते हैं जहां से मतदाता निकल के आते हैं। हर क्षेत्र पंचायत के पास कम से कम 200-400 की संख्या है जो अपने बूथों पे खड़ा होकर किसी का विरोध और किसी का मदद कर सकती है। हम इस बात से आप लोगों के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से इस बात को सब माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पंचायत सदस्य को सिर्फ प्रमुखों की जागीर मत समझ लिया जाए। वो कहीं ना कहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने बदौलत बूथों पे खड़े हो जाएंगे तो 100-200 वो डाइवर्ट कर देंगे, वो जिसके भी पक्ष में डाइवर्ट करेंगे उस दल का उत्तर प्रदेश में सरकार बन जाएगा। ये हम लोगों की सांकेतिक हड़ताल है, अगर इस सांकेतिक धरना है, अगर इस धरने को के रूप में अगर उन्होंने हमारी मांगों को नहीं माना तो हम 12 तारीख का विधानसभा पे धरना करेंगे। अगर उसके बाद भी हमारी बातों को माना नहीं जाएगा तो हमारे भी क्षेत्र पंचायत के साथी स्वतंत्र हो जाएंगे कि हम जिस दल का मदद करना चाहेंगे खुल के एक साथ एक मंच पे बिना राजनीतिक बात पे सारे क्षेत्र पंचायत अपने अपने बूथों पे जिस दल के में हम लोग अपनी बात रखना चाहेंगे, जिस दल का समर्थन करना चाहेंगे, चाहे वो भाजपा हो गया, बसपा हो गया, सपा हो गया, कांग्रेस हो गई, कोई भी दल एक सूत्रीय मांगों पे हम लोगों की मांग मान लेंगी या आश्वासन दे देगी हम उसकी मदद कर देंगे, सरकार बन जाएगी, हम उससे अधिकार ले लेंगे। शूटिंग के सिलसिले में बॉलीवुड के सलमान खान, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय सहित अनेक फिल्मी सितारे बीकानेर आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर सिने प्रेमियों में खुशी छा गई है। जानकारी के अनुसार सलमान खान बुधवार को एक विज्ञापन की शूटिंग के सिलसिले में बीकानेर आएंगे। यह शूटिंग गजनेर पैलेस व आसपास के क्षेत्रों में की जाएगी। इसके लिए लोकेशन फाइनल हो चुकी है। सलमान खान के अलावा बॉलीवुड स्टार अजय देवगन और ऐश्वर्या फिल्म की शूटिंग के लिए 14 दिसंबर को बीकानेर आएंगे। खबर है कि निर्माता निर्देशक मिलन लूथरिया की फिल्म बादशाह ओह की शूटिंग 14 से 20 दिसंबर तक लक्ष्मी निवास पैलेस में होगी। फिल्म की यूनिट 13 दिसंबर को रात तक पहुंचेगी। 14 को अजय देवगन आएंगे। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान की प्रदेश पदाधिकारियों एवं जिलाध्यक्षों की संयुक्त बैठक कल दिनांक 30 नवंबर 2016 को प्रातः 11 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय जयपुर में रखी गई है। बैठक की अध्यक्षता मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मजिद मलिक कमांडो करेंगे एवं बैठक में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री भजनलाल शर्मा का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। बैठक में संगठनात्मक विषयों पर चर्चा और आगामी माह में राजस्थान सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा, अशफाक उल्लाह खां के शहीद दिवस के उपलक्ष्य में सभी जिलों में रक्तदान शिविर के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत घोष एक दिवसीय प्रवास पर गुरुवार के मालानी एक्सप्रेस से बाड़मेर आएंगे। एबीवीपी के प्रदेश सहमंत्री नरपत राज मून ने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष हेमंत घोष एक दिवसीय प्रवास के दौरान कई सामाजिक और संगठनात्मक कार्यक्रमों में भाग लेकर सायं को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बाड़मेर द्वारा आयोजित
पूर्व कार्यकर्ता व शुभचिंतक स्नेह मिलन समारोह में बतौर मुख्य वक्ता भाग लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री महेश शर्मा ने सोमवार शाम पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के हवाला गांव स्थित ग्रामीण कला परिसर शिल्प ग्राम का अवलोकन किया तथा केंद्र के अधिकारियों से चर्चा की तथा आगामी दिसंबर माह में आयोजित शिल्प ग्राम उत्सव के दौरान उदयपुर आने का निमंत्रण स्वीकार किया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री महेश शर्मा सोमवार शाम शिल्प ग्राम पहुंचे, जहां मुख्य द्वार पर केंद्र निदेशक श्री फुरकान खान व कलाकारों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद श्री शर्मा ने शिल्प ग्राम में स्थापित म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्कल्पचर्स को देखा। केंद्र निदेशक श्री खान ने उन्हें जानकारी दी कि शिल्प ग्राम में आयोजित कार्यशाला में देश के विभिन्न स्थानों के मूर्ति शिल्पकारों ने पत्थर से भारत के प्रचलित वाद्य यंत्र उत्कीर्ण किए, जिन्हें शिल्प ग्राम परिसर में लगाया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन भी अब वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन होगा। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने अक्टूबर माह में केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु से भेंट कर चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन को इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे वर्ल्ड क्लास स्टेशन की सूची में चित्तौड़गढ़ को भी जोड़ने की मांग की थी। सांसद जोशी की मांग पर मंत्री ने तुरंत ही अधिकारियों को क्रियान्विति के निर्देश दिए थे। सांसद जोशी के अनुसार इस स्वीकृति की आधिकारिक पुष्टि रेलवे के द्वारा कर दी गई है कि चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन भी इस सूची में सम्मिलित हो गया है। नशा नाश का ही दूसरा नाम है। नशा करने वाला न केवल अपने जीवन को बर्बाद करता है, बल्कि अपने परिवार को भी पीड़ा, दुख, परेशानी, बेइज्जती व आर्थिक संकट की भी सौगात देता है तथा समाज पर बोझा बनकर स्वयं नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। ये शब्द नशा मुक्ति परामर्श एवं उपचार केंद्र श्री गंगानगर के अधिकारी प्रभारी डॉक्टर रविकांत गोयल ने मुख्य वक्ता के रूप में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुकलावा में आयोजित नशा मुक्ति कार्यक्रम में ग्रामीण एवं विद्यार्थियों से कहे। जिला पुलिस अधीक्षक श्री राहुल कोटोकी के निर्देशानुसार चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत मंगलवार को पुलिस थाना मुकलावा के माध्यम से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुकलावा में निःशुल्क नशा मुक्ति शिविर व कार्यशाला का आयोजन किया गया।